सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस में प्रिवेंशन के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे इन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, किस तरह के सिम्टम्स में कौन सी दवा का प्रयोग करना है, किस प्रकार से और कितने दिनों तक आपको इन दवाइयों का सेवन करना है। तो ये सभी जानकारी पाने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपके पास कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर जरूर से रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम ब्लैक फंगस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग अब जान ही रहे होंगे कि ब्लैक फंगस हो रहा है आजकल बहुत सारे लोगों में, खास तौर पे पोस्ट कोविड इन्फेक्शन वाले मरीजों में। तो जो कोविड से परेशान थे मरीज, जो लंबे समय से बेड पर थे या जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, डायबिटिक पेशेंट्स थे, बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी पे थे, बहुत लंबे समय से स्टीरॉयड थेरेपी पे थे, उन सभी लोगों को अब एक फंगल बीमारी देखने को बहुत कॉमनली मिल रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये जो म्यूकर माइकोसिस है, इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं कई तरह के सिम्टम्स, जैसे कि आपकी आईज में स्वेलिंग आना, पेनफुल रहना, नाक के आसपास सूजन आ जाना और काले रंग का डिस्चार्ज निकलना। तो ये जो कंडीशन है, ये बेसिकली होती है हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होने से। तो इस कंडीशन में कुछ यूजफुल होम्योपैथिक दवाएं हैं। सबसे पहली दवा का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग किया जाता है यदि आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, प्लस आपके आईलिड्स में स्वेलिंग है और आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इस कंडीशन में आपको आर्सेनिक एल्बम का सेवन करना है। आर्सेनिक एल्बम 30 में आपको लेना है और दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग में दिन में 3 बार आपको इसको लेना होता है। इस तरह से आर्सेनिक एल्बम 30 का आप सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम 30। टेल्यूरियम बहुत ही अच्छी दवा होती है किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन के केसेस में। यहाँ पे आपकी आईलिड्स में जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है और आपके जो लिड्स हैं वो मोटे हो गए हैं सूजकर और वहाँ पे इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यदि इचिंग प्रेजेंट है तो आपको टेल्यूरियम दवा का सेवन करना चाहिए। टेल्यूरियम 30 में आप ले सकते हैं और दो दो बूंदे डायरेक्टली टंग में आपको लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सल्फर, सल्फर 1 mg। सल्फर 1 mg को सिर्फ 1 बार सुबह सुबह खाली पेट 2 बूंदे लेनी है और इसको वो सभी मरीज ले सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और साथ में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है और आँखों की जो आईलिड्स हैं, मार्जिन जो है उन पर बहुत ज़्यादा आपको खुजली प्लस जलन और वहाँ की मार्जिन में अल्सर जैसे आपको लग रहे हैं और अभी रिसेंटली इन्फेक्शन महसूस हो रहा है, उन सभी कंडीशन में सल्फर 1 mg की सिर्फ 2 बूंदे सुबह सुबह सिर्फ 1 बार आपको लेना है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है मर्क सॉल्ट 200। जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी आंखों से थोड़ा सा बदबूदार सा येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है, आंखें आपस में चिपक जा रही हैं, उन सभी लोगों के लिए मर्क सॉल्ट 200 यूजफुल है। जिनको येलो सा गाढ़ा सा चिपचिपा डिस्चार्ज निकल रहा है आंखों से, तो अगर डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें आपको मर्क सॉल्ट 200 लेना है, दो दो बूंदे सुबह शाम इसकी सेवन करनी होती है डायरेक्टली टंग पे। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी काली बाइक्रोम 200। काली बाइक्रोम 200 यदि आपको बहुत ज़्यादा सिर में कंजेशन, हेडेक, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, दर्द है और आपकी नाक भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, खासतौर पे आँखों के ऊपर पेन हो रहा है, आपको जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप के, चिपकने वाले डिस्चार्ज हैं, बहुत चिपकने वाले डिस्चार्ज निकल रहे हैं, रोपी टाइप के हैं, एकदम बहुत चिप चिप कर रहा है,
तो ऐसे स्टिकी डिस्चार्ज वाले पेशेंट्स में काली बाइक्रोम हेल्पफुल रहती है। काली बाइक्रोम 200 में आपको दो दो बूंदे सुबह शाम डायरेक्टली टंग पर लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। जिन लोगों को आपकी नाक से और आपकी आंखों से पस भरे या ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज निकल रहे हैं, उन सभी के लिए थूजा अच्छा वर्क करती है। यदि ये पस भरे ब्लड वाले डिस्चार्ज निकल रहे हैं, आंखें सुबह सुबह चिपक जा रही हैं, तो थूजा 200 का आप प्रयोग कर सकते हैं। और थूजा 200 की दो दो बूंदें आपको डायरेक्टली टंग पे लेनी होती हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ यूजफुल दवाएं जिनके सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से मैच कर रहे थे उनके बारे में बताया है। सारी दवा हर किसी को नहीं लेनी है। जिनको सिर्फ और सिर्फ अभी कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिम्टोमेटिक बताया हुआ है, जिनको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे, बस वो कोरोना के मरीज थे, आप कोरोना से ठीक होकर आ चुके हैं, तो एज आ प्रिवेंटिव उनको सिर्फ और सिर्फ आर्सेनिक एल्बम लेनी है और 5-4 टैबलेट लेनी है। आर्सेनिक एल्बम 30 में आप ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, यदि कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो, है ना। आर्सेनिक एल्बम 30 दो बूंदे रोजाना लेनी है और 5 दिन तक लगातार लेनी है सुबह सुबह, और इसके साथ 5-4 टैबलेट लेनी है, 4-4 गोलियां दिन में 3 बार। ये जो दवाएं हमने आपको बताई हैं, यदि आपको इस प्रकार के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो इन दवाइयों का लगातार 5-6 दिन तक सेवन करना है आपको। साफ सफाई का ध्यान रखना है, एक अच्छी डाइट लेनी है, बहुत बढ़िया सी डाइट लीजिए, और साथ ही साथ यदि आपके ये सिम्टम्स 5 दिन के अंदर ठीक नहीं होते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पर जाके अपने आप को हॉस्पिटलाइज्ड करना है, दिखाना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि आप इतने सारे दिनों से कहीं ऑक्सीजन पर तो नहीं थे, आप स्टीरॉइड तो नहीं ले रहे हैं, तो यदि आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है तो आप इसके लिए तुरंत ही हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि आपका केस बिगड़े ना और आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यदि आप में से किसी को भी इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हो तो आप बिल्कुल हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या मैं आपके लिए लाइव कंसल्टेंसी लेकर आती हूँ इवनिंग में लगभग 7 बजे, तो आप वहाँ पर आके भी पूछ सकते हैं। तो ज़रूर से आपको जो भी हमारी तरफ से सजेशन होगा दिया जाएगा। और सारी दवाएँ होम्योपैथिक हैं तो इन्हें लेने के लिए होम्योपैथिक मेडिकल पर ही जाएं, और बचाव के लिए कौन सी दवा लेनी है, क्या सिम्टम आने हैं पे कौन सी दवा लेनी है, वो मैंने वैसे तो जानकारी दे दी है, पर यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल अपने आप को इस तरह की बीमारी से बचा सकें। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।